अनिरुद्ध रॉय चौधरी, उसकी भेदी है ना तू? खबरी है ना उसकी, बताती है ना उसे कि इस घर में क्या हो रहा है? और नमक खाया है वहां का, कर्ज भी उतारना होगा। बोल ठाकुर माँ, मैं गई थी रॉय चौधरियों की कोठी में, गई थी, मैं मानती हूँ, पर अपने लल्ला लल्ली की कसम, मैं वफादार आदमी की हूँ। मैं तो जानती भी हूँ कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। क्या करने वाला है अनिरुद्ध रॉय चौधरी? बताते हूँ आपको, लेकिन अकेले में ठाकुर माँ। बता सच क्या है ठाकुर माँ। मैं मानती हूँ मेरी पायल रॉय चौधरियों की कोठी में मिली थी। मैं ये भी मानती हूँ कि मैं वहां जाती हूँ, लेकिन ठाकुर माँ, मैं आप ही की वफादार हूँ। मैं तो उस असंस्कारी फितूरी अनिरुद्ध रॉय चौधरी की जासूसी करने जाती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, सब पता किया है मैंने। क्या करने की सोच रहा है अनिरुद्ध रॉय चौधरी? उमा, वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी आप पर, बच्चों पर अत्याचार करने का मुकदमा ठोकने वाला है। वो उस दिन आपने बॉम्ब का मालकिन की उंगलियां मरोड़ी थी ना, उसी के लिए। और एक और बात हकुमा, वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी एक योजना बनाए बैठा है। कैसे बताऊं क्या योजना, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। क्या योजना हकुमा? वो अनिरुद्ध है ना, बॉन्ड का मालकिन को आपके यहाँ से निकाल कर बाल आश्रम भेजना चाहता है। अब देखिए होगा क्या, जब बॉन्दता मालकिन आपके यहाँ नहीं रहेंगी, बाल आश्रम चली जाएंगी, वहाँ उनकी भर्ती हो जाएगी, तो वो आपकी नजरों के सामने नहीं रहेगी, आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तो आप वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी अपने मन मर्जी से, अपने इच्छा के अनुसार बॉन्दता मालकिन का जीवन चलाएगा। और इसी सिलसिले में वो तुलसीपुर भी जाने वाला है 2-4 दिन के लिए। इतना पता लगा पाई हूँ अब तक। मैं तुझ पे भरोसा कैसे करूं कि तू सच बोल रही है? ये भी बात सही है। अब एक नौकरानी की बात पर भला महारानी विश्वास क्यों करेंगी? पर ठाकुर माँ, सच में मैं आपको चिंता में नहीं देख सकती। शक्ति, और आप तो जानती है ना, ठाकुर माँ की चिंता रूपा के चिता के समान है। ठाकुर माँ, मुझ पर इतना बड़ा एहसान जो किया है आपने, मेरे दो लल्ला एक लल्ली आप ही के भरोसे तो पल रहे हैं ना। आपके और बॉन्दता मालकिन के लिए अगर उन रॉय चौधरियों की गोली भी खानी पड़ जाए तो हंसी खुशी खा लेगी ये रूपा, सच। और वो जो लूचियां देखी ना आपने, वो मैं ही लाई थी सबूत के तौर पर, ताकि आपको बता पाऊं, दिखा पाऊं, आपका भरोसा जीत पाऊं कि मैं वाकई रॉय चौधरी हवेली गई थी और मैं जो भी खबर लाई हूँ अनिरुद्ध रॉय चौधरी के बारे में वो सच है। लेकिन अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो रहा हो तो रख दीजिए अपनी दरंती रूपा की गर्दन पर, मार दीजिए मुझे। आपका भरोसा जीतने के लिए रूपा मर भी जाए तो चलेगा। नौटंकी।
रिमझिम जी। सासू माँ, मैं कल सुबह कलकत्ते जा रही हूँ। अरे वाह, सच्ची? थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। मेरा मतलब है कि आप भी तो कह रही थी ना कि घर में आग लगी है, तो तू चिंता मत कर, मेरे पीछे घर का पूरा ध्यान रखेगी रूपा जी। ये बनेगी मेरी आंख नाक। वैसे कितनी हड्डियां होती हैं शरीर में? दो सौ छह। अगर विश्वास तोड़ा मेरा तो पूरे शरीर की 206 हड्डियां तोड़ दूंगी। मुझे चीश ठाकुर माँ, आपका आदेश रूपा की जान। आप चिंता मत कीजिए, आपके पीछे आपकी लाज पर आज तक नहीं आने दूंगी, उसे सही रास्ते पर लेकर जाऊंगी। आखिर सखा बाबू ने ठाकुर माँ को कलकत्ते जाने के लिए मना ही लिया। अब ठाकुर माँ 2 दिन के लिए कलकत्ते जाएंगी और हम यहाँ लंदन जाने के कागज तैयार कर लेंगे। क्या कर रही हो बोंदता? अभी कोई नहीं है हमारे आसपास, मुझे मदद करने दीजिए। बोंदता, हमारे आसपास कोई नहीं है तो तुम मेरी मदद नहीं, तुम पढ़ाई करोगी, निबंध लिखने इतने सारे, चलो निबंध लिखना शुरू करो। नहीं, पहले कढ़ाई। पहले पढ़ाई बोंदता। कढ़ाई। पढ़ाई बोंदता। कढ़ाई। पढ़ाई बोंदता। कढ़ाई। मेरी बात समझने की कोशिश करो बोंदता, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब ठाकुर माँ भी सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हैं। उन 2 दिनों में हमें क्या कुछ नहीं करना है। लंदन जाने के लिए कागजात और परमिशन की तैयारी करनी होगी, इतने सारे निबंध भी लिखने हैं। तुम ऐसे रूठी रहोगी तो काम हो पाएगा क्या? पर मैं शर्त पे जाऊंगी आपके साथ। बाजार में कुल्फी खानी है? नहीं, शर्त ये है, बर्तन झाड़ू पोछा ये सब मैं करने नहीं दूंगी आपको। ठाकुर माँ की गैर मौजूदगी में सिर्फ मैं ही करूंगी कल से। ये सब करते हुए आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगती सखा बाबू। तुम भी अच्छी नहीं लगती बोंदता। पर जो हाथ मेरी ताकत है उन्हें मैं छिलता हुआ नहीं देख सकती। सिर्फ किताबें अच्छी लगती हैं। और तुम्हारे हाथों में भी बोंदता, मैं तुम्हारे हाथों में कलम देखना चाहता हूँ, किताबें देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोंदता। मेरी बात समझो बोंदता, हमें 2 दिनों में खूब मेहनत करनी होगी और बहुत सतर्क भी रहना होगा। कुछ दिनों में जब तुम सारे निबंध लिख लोगी और हमारा लंदन जाने का वीजा बन जाएगा तो हम दोनों यहाँ से बहुत दूर तुम्हारी ठाकुर माँ की रूढ़ीवादी सोच रूढ़ीवादी परंपराओं की बेड़ियों से बहुत दूर लंदन चले जाएंगे, समझी? तो अब मैं धोऊंगा कढ़ाई और बोंदता करेगी पढ़ाई। ठीक है, मैं करती हूँ पढ़ाई। ऐसे गुस्सा होकर मत करना पढ़ाई, मुस्कुरा के बोंदता, मुस्कुरा के बोंदता। मालकिन जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिस औरत जात ने ये समझ लिया उसके जीवन में सुखी सुख। तो कम को ज्यादा समझना और सब के सब अपनी मर्यादा में रहना। किसी ने अगर मर्यादा पार की तो मुझ तक खबर पहुंच जाएगी रूपा के जरिए।
बुझेछिस? बिहारी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मालिक, आप यहाँ धीरे बोल। अरे हम उस लड़की का इंतजार कर। लड़की? वो लड़की ना जो अनिरुद्ध के कमरे में दिखी थी, आज शायद फिर से है। तो हमने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, तो निकलेगी तो खिड़की से ही निकलेगी ना, इसीलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। अब मुझे यहीं से जाना होगा, क्योंकि ठाकुर माँ कलकत्ते के लिए निकल चुकी होंगी और लंदन जाने के कागजात की तैयारी करने के लिए बॉन्दिता मेरा इंतजार कर रही होगी। देखा बिहारी, हमने कहा था ना, देखो वो औरत निकल रही है खिड़की से बाहर। मलिक, अनिरुद्ध बाबू वाली औरत को मत देखिए, नहीं तो पाप लगेगा, पाप। अरे नहीं, पाप पुण्य जाए भाड़ में। आज तो हम दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। आज पता लगाते हैं कि ये खेल क्या है और बताते हैं उस अनिरुद्ध को बड़ा बैरिस्टर बनता है ना, कटघरे में खड़ा कर देंगे उसे। इधर घूम। तुम तो वो सामने वाले घर में नौकरानी हो ना? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अनिरुद्ध के कमरे में घुसने की? मालिक, भागी हो ए, ए नौकरानी रोक। अरे मालिक, हाथ मत लगा। अरे गिरना तो छोड़, अगर हम मर भी रहे होंगे ना तो भी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करने देंगे। काका, आप गिर जाएं और मैं कुछ ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? आइए काका। अनिरुद्ध, चल काका, चल। अरे चल काका, देर हो रही है। तो तुझे लगता है कि तू उसके घर जाएगा और वो ठाकुर माँ को इसकी भनक तक नहीं लगेगी? अरे वो औरत ना बाल की खाल निकाल सकती है। और तू याद नहीं है तुझे? भूल गया क्या कहा था उसने? है? अगर तू उसके घर में नजर आ गया तो वो हाथ काट देगी तेरे। का याद है मुझे, पर वो ऐसा कुछ तब करेंगी जब उन्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ, और वो उन्हें पता नहीं चल पाएगा ना काका। अरे तू उसे नहीं जानता, हम जानते हैं। कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। हमें तुझे कृष्णा नगर लाना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं है, अब और देर नहीं करेंगे। चल वापस, चल तुलसीपुर चलते। चल मैं कहीं नहीं जाऊंगा काका। सखा बाबू ने कहा था ठाकुर माँ की जाते ही आ जाएंगे वो, पर अब तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए सखा बाबू, अभी तक क्यों नहीं आए? दीदी, पता है आज पहली बारिश आने वाली है। पहली बारिश?
तुझे पता है मौसम की पहली बारिश मेरे सखा बाबू और मुझे बहुत पसंद है। पहली बारिश पड़ते ही खूब भीगते थे हम। मालिक मालिक ये छाता लीजिए, कभी भी बारिश हो सकती है। शुक्रिया। पहली बारिश और हम भीगेंगे नहीं क्या? शायद बिरिस्तरा बाबू को बारिश में भीगना पसंद नहीं। एकदम अकड़ू और उबाऊ जान पड़ते हैं बिरिस्तरा बाबू। मालिक छाता क्यों छोड़ दिया? मौसम की पहली बारिश हो और मैं ना भीगूं, ऐसा हो सकता है क्या? इतना भी अकड़ू और उबाऊ नहीं हूं तो क्या? तो भीगोगी ना? हाँ, खूब भीगूंगी। एक बात कहूं आपसे? कहो। मुझे लगा था कि बारिश में भीगना पसंद नहीं होगा आपको। मैंने मम्मी कहा भी कि आप अकड़ू और उबाऊ हो। शॉटी, पर मैं गलत थी। पता है बिरिस्तरा बाबू? क्या? गांव में भी पहली बारिश में भीगना कभी नहीं छोड़ती थी। और अब भी नहीं छोड़ोगी रोनता? तो हम एक दूसरे से एक वादा करते हैं, मौसम की पहली बारिश में हम हमेशा एक साथ भीगेंगे। वादा रहा? पक्का वादा रहा पति बाबू। बारिश आ गई, 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 बारिश आ गई। वंदिता दीदी, वंदिता दीदी, टापू। सखा बाबू अपना वादा जरूर निभाएंगे। आज पहली बारिश में भीगने जरूर आएंगे सखा बाबू। कसम है तुझे हमारी। चल काका, हाथ छोड़ी काका। मैं बोंदता नहीं छोड़ूंगा। काका मैं बोंदता को सुनहरे भविष्य की कसम दे चुका हूँ। मैं आपको कोई कसम नहीं दे सकता, प्लीज। कसम? तू तो हमेशा अपनी जिद ही पूरी करता है ना। वही करेगा। और वैसे भी हम किसी के कोई हैं भी क्या? काका क्या कह रहे हैं आप? तू कर तुझे जो करना है, हम नहीं रोकेंगे तुझे, नहीं दिखाएंगे तुझे अपने हृदय की पीड़ा, नहीं दिखाएंगे। काका दरवाजा खोलिए काका। बिहारी जा, जल्दी जाके सारी खिड़कियां बंद कर दो। जब तक हम ना चाहे ना, विरुद्ध इस कोठी के बाहर नहीं जाना चाहिए। जाओ जाओ। काका ये आप क्या कर रहे हैं? काका दरवाजा खोलिए प्लीज, काका मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, है तुझे अपनी जान की चिंता ना हो, पर हमें है तेरी जान की चिंता। अरे काका है तुम्हारे, साम दाम दंड भेद जो करना पड़े करेंगे, पर तुझे नहीं जाने देंगे यहां से। चौखट के पार रखा नहीं पाओ, औरत जात तूने दे दिया खाओ।
तुझे महीना आया है और तू मोरनी बन नाच रही है। चल तेरी महावारी खत्म नहीं हो जाती तो इसी काल कोठरी में रहेगी। काका गोंदिता मेरा इंतजार कर रही है, उसे मेरी जरूरत है। तुझे क्या लगता है तेरी ही जिद है सिर? अरे आज से तेरी जिद और तू दोनों इस कमरे में बंद रहेंगे। अरे बिहारी काका ये आप क्या कर रहे? काका दरवाजा खोलिए, काका प्लीज मेरी बात समझिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अब लगा ले चाहे जितनी ताकत लगानी है, ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। प्लीज काका मुझे जाने दीजिए। अरे तू अनिरुद्ध है तो हम भी तेरे काका हैं। काका मैंने बोंदता से वादा किया है कि मैं आऊंगा। काका दरवाजा खोलिए ना काका प्लीज। काका अगर आप मुझसे प्यार करते तो मुझे जाने दीजिए ना काका प्लीज। अरे बेटा प्यार करते हैं तुझसे इसीलिए तो नहीं जाने देंगे तुझे। आज तेरी नहीं, आज हमारी इज्जत चलेगी इस घर में। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। लड़की के रूप में जन्म लेना यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। काका काका प्लीज मुझे जाने दीजिए। काका बोंदता को मेरी जरूरत है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं आऊंगा। नहीं नहीं जाने देंगे तुझे अनिरुद्ध। अरे तू जानता नहीं है वहां जाना कितना खतरनाक है तेरे लिए। अगर तू वहां गया तो वो कालिंदी तेरे हाथ काट देगी और हम ऐसा कभी होने दे सकते हैं क्या? तेरी कोई भी बात हमें पिघला नहीं सकती। बिहारी आज किसी भी हालत में ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। काका जब माँ हमें छोड़कर दुर्गा माँ के पास गई थी तब आपने क्या कहा था? आपने वादा किया था ना कि आप हमारी मां बनकर रहेंगे, हमें कभी कोई दुख नहीं होने देंगे, हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। तो आज क्या कर रहे हैं आप? अरे इसीलिए वही वादा तो निभा रहे हैं अनिरुद्ध। कैसे? आज तक तुझे तेरे भाइयों को कभी एक खरोच तक नहीं आने दी है और ना आने देंगे। तुम बच्चों की हर खुशी हर चाहत हमेशा लाके तुम्हारी झोली में डाली है कि नहीं? हाँ काका, तो आज मेरी खुशी बोंदता की खुशी में। तो अब बोंदता को मुझसे दूर रखकर क्या आप मुझे दुख नहीं दे रहे? काका पता नहीं वहां बोंदता किस हालत में होगी, उसकी और
औरत के रूप में जन्म लेना पिछले जन्म के पाप का फल ही तो है। खैर, ये काल कोठरी तेरा दंड नहीं, तेरी तपस्या है। महावारी के समय घर की हर औरत को इसी काल कोठरी में रहना पड़ता है, चाहे फिर वो मैं क्यों ना हो, काकी क्यों ना हो, तेरी माँ क्यों ना हो और टुपुर क्यों ना हो। घर की हर औरत को महावारी के वक्त इस काल कोठरी में रहना पड़ता है। अगर मेरे सक्का बाबू मेरे साथ होते तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.